नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चाइनीज कंपनी ने एटॉमिक बैटरी बनाई, दावा बिना चार्ज किए 50 साल तक पावर देगी, साइज महज सिक्के के बराबर। जी हां दोस्तों, चीन में एक स्टार्टअप ने सिक्के के साइज की एटॉमिक पावर वाली बैटरी बनाई है। कंपनी का दावा है कि यह बिना चार्जिंग या मेंटेनेंस के 50 साल तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। यह एक परमाणु बैटरी है जिसे बीजिंग स्थित बीटा वोल्ट स्टार्टअप ने डेवलप किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीटा वोल्ट इस मॉड्यूल में 63 आइसोटोप को कंप्रेस करने में कामयाब रहा है, जो एक सिक्के से भी छोटा होता है। कंपनी ने यह भी कहा है कि यह एटॉमिक एनर्जी को सबसे छोटा रूप देने वाली दुनिया की पहली बैटरी है। कंपनी का दावा है कि न तो इस बैटरी में आग लगेगी और न ही दबाव पड़ने पर इसमें विस्फोट होगा, क्योंकि अलग अलग तापमान पर इसका परीक्षण किया जा चुका है। नेक्स्ट जनरेशन बैटरी फिलहाल टेस्टिंग फेज में है, जल्द ही मोबाइल फोन और ड्रोन जैसे इक्विपमेंट के लिए बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मंगलवार को रोहिणी में सुंदरकांड का पाठ करेंगे सीएम केजरीवाल, सोशल मीडिया पर दी जानकारी। जी हां दोस्तों, दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड का पाठ कराने का फैसला किया है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आम आदमी पार्टी ने यह ऐलान किया है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो अपनी पत्नी के साथ मंगलवार को रोहिणी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करेंगे। सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आपकी सुख शांति और तरक्की के लिए कल आम आदमी पार्टी दिल्ली में कई जगह सुंदरकांड का पाठ करवा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। नीतीश तिवारी की रामायण में हुई लारा दत्ता की एंट्री, कुंभकर्ण का किरदार निभाएंगे बॉबी देओल। जी हां दोस्तों, नीतीश तिवारी की रामायण काफी लंबे समय से चर्चाओं में बनी हुई है। फिल्म में रणवीर कपूर, साई पल्लवी और यश नजर आने वाले हैं। इसी बीच पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में अब लारा दत्ता की भी एंट्री हो गई है। फिल्म की शूटिंग इसी साल 2024 मार्च में शुरू होगी। फिल्म में रणवीर कपूर भगवान राम और साई माता सीता के किरदार में नजर आएंगे। वहीं दोस्तों यश फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे हैं। मार्च में रणवीर और साई की शूटिंग शुरू होगी और जुलाई में यश की शूटिंग शुरू होगी। खबरों की माने तो निर्माताओं ने हनुमान के किरदार के लिए सनी देओल के साथ बातचीत की कर रखी है। अब पिंक विला की एक खास रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में लारा दत्ता केकई की भूमिका निभा सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश तिवारी अपने इस महाकाव्य में ऐसे सितारों को लेना चाहते हैं जो भारतीय इतिहास की सबसे कालातीत कहानी से संबंधित पात्रों को निभाने में सक्षम हो। इसमें बॉबी देओल की भी एंट्री नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। रामलला की प्रतिभा 18 जनवरी को गर्भगृह में रखी जाएगी, अरुण योगी राज ने इसे नीले पत्थर से बनाया। 22 जनवरी को 40 मिनट में प्राण प्रतिष्ठा होगी। जी हां दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उससे पहले सिक्के सभी कार्यक्रम की पूरी जानकारी सामने आ गई है। दरअसल दोस्तों 22 जनवरी को दोपहर 12:20 से 1 तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास अपने विचार रखेंगे। वहीं दोस्तों श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में मंदिर निर्माण कार्यशाला में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त काशी के प्रकांड विद्वान गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने तय किया है। प्राण प्रतिष्ठा का कर्मकांड वाराणसी के महंत लक्ष्मीकांत दीक्षित करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। ईडी ने कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, ईडी ने एक कथित वन घोटाले से जुड़ी धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग जांच में सोमवार को कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मजोत को गिरफ्तार कर लिया है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। ईडी ने 64 साल के राजनेता को जालंधर में धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। दोस्तों ईडी ने पिछले साल नवम्बर में धर्मजोत, राज्य के एक अन्य वन मंत्री संगत सिंह गिलजियान, कुछ वन विभाग के अधिकारियों और अन्य के परिसरों पर छापेमारी भी की थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। फ्रांस में विदेशी इमामों की एंट्री हुई बैन, पहले से मौजूद इस्लामी धर्म गुरुओं को उनके देश भेजा जाएगा, नया कानून कट्टरता के खिलाफ सख्त। जी हां दोस्तों, फ्रांस में अब दूसरे देशों के इमाम काम नहीं कर सकेंगे। इसके लिए प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रों की सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक जो विदेशी इमाम पहले से मौजूद है उन्हें भी वापस भेजा जाएगा या लोकल मस्जिदों में उन्हें कोई छोटा काम दिया जा सकता है। फ्रांस सरकार ने फोरम ऑफ इस्लामिक इन फ्रांस नाम की एक संस्था बनाई है। इसमें सभी मजमुओं के लीडर्स रहेंगे। इस संस्था की जिम्मेदारी देश के मुस्लिमों को सही राह दिखाना और कट्टरपंथ से दूर रखना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, मैक्रों ने फरवरी 2020 में पहली बार इस कानून को लाने के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमें कट्टरता को खत्म करना होगा, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देना होगा, उन्हें दबाया नहीं जा सकेगा, यही हमारे देश की सोच और परंपरा है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सचिन तेंदुलकर डीपफेक का हुए शिकार, गेम के प्रमोशन के लिए उनके वीडियो पर उन्हीं की आवाज डब की गई, बोले ये नकली और गलत है। जी हां दोस्तों, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी डीपफेक का शिकार हुए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे स्काई वर्ड एविएटर क्वेस्ट गेमिंग ऐप को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। खुद सचिन ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करके लिखा है कि ये वीडियो नकली है और आपको धोखा देने के लिए बनाया गया है। टेक्नोलॉजी का इस प्रकार का दुरुपयोग बिल्कुल गलत है। उन्होंने इस मैसेज के साथ भारत सरकार, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और महाराष्ट्र साइबर पुलिस को भी टैग किया है। इसमें फेक वीडियो में वे कहते नजर आए हैं कि उनकी बेटी सारा इस गेम से रोजाना बड़ी मात्रा में पैसा निकालती है। वे लोगों को बताते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि अब अच्छा पैसा कमाना कितना आसान हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिगो की फ्लाइट में पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मारा, उड़ान में 13 घंटे की देरी से नाराज था, बोला चलाना है तो चला, नहीं तो गेट खोल दे। जी हां दोस्तों, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रविवार को इंडिगो की फ्लाइट में एक पैसेंजर ने पायलट को थप्पड़ मार दिया। पैसेंजर उड़ान में 13 घंटे से हो रही देरी से नाराज था। घटना दिल्ली के गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E2175 की है। इसे सुबह 7:40 पर उड़ान भरनी थी जो कोहरे के कारण लेट हुई। घटना का वीडियो सामने आया है, इसमें पीले रंग की हुड्डी पहने पैसेंजर सीट से उठकर पायलट के पास गया और थप्पड़ मारने के बाद कहा कि चलाना है तो चला, नहीं तो गेट खोल। पैसेंजर की हरकत पर एयर होस्टेस ने कहा कि सर ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इस पर पैसेंजर ने कहा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, फ्लाइट्स में देरी पर यात्रियों को व्हाट्सएप करेगी एयरलाइंस, डीजीसीए ने जारी की एसओपी। जी हां दोस्तों, डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए बेहतर कम्युनिकेशन और यात्रियों की सुविधा के लिए एक एसओपी जारी की है। इंडिगो फ्लाइट की घटना के सामने आने के बाद जब विवाद बढ़ा तो डीजीसीए ने एसओपी जारी करने की बात कही थी। इसके तहत एयरलाइंस को हिदायत दी गई कि विमान के उड़ान में होने वाली देरी और लोगों को होने वाली असुविधा के संबंध में हवाई यात्रियों की सुरक्षा तय करने की जिम्मेदारी समझी जाए। इसके साथ ही फ्लाइट में देरी क्यों हो रही है इसका कारण भी सामने लाना जरूरी है। डीजीसीए ने इसके लिए CAR जारी किया है। फ्लाइट्स की देरी के संबंध में यात्रियों को व्हाट्सएप के जरिए भी जानकारी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सख्त नियम बनाएंगे, सचिन तेंदुलकर के डीप फेक खुलासे के बाद सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा। जी हाँ दोस्तों, कई मशहूर हस्तियों के साथ महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी डीप फेक वीडियो का शिकार हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे ऐसे वीडियो डीप फेक को लेकर चिंता बढ़ा रहे हैं। इससे गलत सूचना और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग का माहौल बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने डीप फेक को दुनिया के लिए एक चुनौती कहा है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सचिन तेंदुलकर द्वारा साझा किए गए वीडियो पर चिंता व्यक्त की। मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित डीप फेक और गलत सूचना भारतीय यूजर्स की सुरक्षा और विश्वास के लिए खतरा है। इससे नुकसान हो सकता है और कानून के उल्लंघन का मामला भी बनता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुनव्वर राणा सुपर दे खाग, जावेद अख्तर ने दिया कंधा, अखिलेश ने श्रद्धांजलि दी, कहा उनकी मां पर लिखी शायरी लोग हमेशा याद रखेंगे। जी हां दोस्तों, शायर मुनव्वर राणा की सोमवार को ऐशबाग के कब्रिस्तान में सुपुर दे खाग कर दिया गया। दिल का दौरा पड़ने की वजह से रविवार देर रात उनका निधन हो गया था। उनके जनाजे में शामिल होने के लिए लेखक जावेद अख्तर लखनऊ पहुंचे। उन्होंने जनाजे को कंधा दिया। नदवा कॉलेज में जनाजे की नवाज अदा की गई जिसमें सैफ बाबर, हसन इब्राहिम, तारिक कमर जैसे शायर शामिल हुए। उनके निधन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई अन्य हस्तियों ने शोक व्यक्त किया।